हेलो दोस्त, ये 18 फीट बाई 6 फीट की बाथरूम है और 3264 का वॉल पे टाइल्स लगा हुआ है। कजरिया प्रीमियम क्वालिटी इंटरनेटी ये आप देखकर आइडिया ले सकते हैं कि अगर बड़ा बाथरूम बनवाते हैं तो क्या लुक आएगा बाथरूम का। बहुत लंबा एरिया है बाथरूम का और ये देखिए अब सिंपली डिजाइन की गई है। इसमें एक कलर की टाइल्स लगाई गई है वॉल पे और 3 टाइल्स लगाकर पूरा 8 फीट एरिया कवर किया हुआ है हाइट इसके। और ये सिस्टम है, ये अभी लगेगा और ये देखिए गोल कर कर इसको होल किया गया है और एक वो भी है, वो भी एकदम राउंड में ही गोल किया गया है और एक ये भी है तो ये भी राउंड कर दिया गया है। और ये धार कोण वाला जो मैटर होता है ये 45 कटिंग कर इसको फिट किया गया है और देखने में इसका लुक भी अच्छा लग रहा है। इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है पर काम इसका बहुत ही शानदार आता है होने पर। ये अभी ये वॉल बचा हुआ है और ये भी पूरा होगा और इसकी जो फर्श है वाटर प्रूफिंग की गई है आज। अभी ये 2 से 3 दिन बाद इसका फ्लोरिंग बनकर तैयार हो जाएगा और इसके फ्लोरिंग में 2x2 की मैट टाइल्स भी लगेगी। स्पेसर दे के फ्लोर पर टाइल्स लगेगी दोस्त। और आप अगर इस कोण से देखते हैं तो आपको इतना लंबा एरिया देखने को मिलेगा ये, और इसका लुक भी बहुत शानदार आ रहा है। सिंपल डिजाइन की गई है वॉल पे और एक ही कलर की टाइल्स लगाई गई है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये रही इधर की दीवार भी, इतना लगा हुआ है और इतना भी पेंडिंग में है काम। जैसे ये पूरा हो जाएगा आप पूरा फुल वीडियो नेक्स्ट टाइम में देखने को मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते नहीं हैं, देख लेते हैं वीडियो आप लोग। और ये टेहल है, ये 1.5 इंच ऊंचा है, इसको फिर नाइट मोड करके रखा जाएगा। ये ग्राउट पाउडर है और इसमें एडमिक्स है, ये पानी से सानने वाला सीमेंट नहीं है। देखिए केमिकल से मिला ग्राउट सानेंगे तो बाद में निकलेगा नहीं, 2 साल बाद 3 साल बाद ही ग्राउट आराम से निकलेगा। और नॉर्मल आप पानी से सान के लगाएंगे तो तुरंत निकल जाता है, ग्राउट नॉर्मल कभी ना करवाएं आप।